Myself, Ms. Vaishali Verma, nursing tutor of Index Nursing College. Today we discuss about burn. What is burn? Burn क्या होता है? Tissue damage, normal burn होने से जो tissue damage हो जाता है उसको अपन burn बोलते हैं. ठीक है, types of burn क्या है? Thermal injury, electric injury, chemical burn, cold injury, lancing radiation, sun burn. अब ये सब क्या है? Types of burns है. इसमें thermal injury में इंजरी में क्या आएगा? स्क्लेब, फ्लेम बर्न्स, कॉन्टैक्ट बर्न, फ्लैश बर्न, ये सब क्या है? थर्मल इंजरी के टाइप्स ऑफ बर्न है. देन फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न. अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न क्या है? डिपेंडिंग ऑन थिकनेस ऑफ अ स्किन इन्वॉल्व्ड. कितनी थिकनेस, जितनी भी अब स्किन की थिकनेस है, मतलब कितना बर्न वो हुआ है, थिकनेस पे डिपेंड करता है कि अपना बर्न कितना है. फर्स्ट डिग्री बर्न. फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है? एपिडर्मिस लुक रेड एंड पेनफुल, नो राइटर्स, हील्स रैपिडली इन 5 to 7 डेज बाय द एपिथर्मलाइजेशन विथाउट स्कैनिंग. इट शोज कैपिलरी फीलिंग. फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है? जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो अपनी, एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो अपनी डैमेज हो जाती है फर्स्ट डिग्री बर्न में. ये क्या होता है? ये हील हो जाता है 5 to 7 डेज के अंदर. इसमें क्या हो जाता है? थोड़ा सा पेनफुल होता है, कोई टाइप का छाले वाले नहीं होता है इसमें, और जल्दी रिपेयर हो जाता है. थोड़ा सा रेडनेस सा इसमें दिखता है. देन सेकेंड डिग्री बर्न. अफेक्ट एरिया इज मोटेल्ड रेड पेनफुल विथआउट अ ब्लिस्टर, हील्स बाय एपिथर्मलाइजेशन इन 14 to 21. सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है? जो एरिया है वो मोटेल्ड हो जाता है, रेड हो जाता है, वो पेनफुल हो जाता है, और एक ब्लिस्टर मतलब छाले आ जाते हैं. और ये कितने दिन में हील हो सकता है? 14 to 21 डेज में ये हील होएगा. सुपरफिशियली सेकेंड डिग्री. अब सेकेंड डिग्री बर्न में दो टाइप के होते हैं, सुपरफिशियली और डीप. सुपरफिशियली सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होगा? बर्न हील्स कैजुअली पिगमेंटेशन. इसमें क्या होएगा? सुपरफिशियली सेकेंड बर्न में क्या होएगा? पिगमेंटेशन होएगा, पिगमेंटेशन होएगा कैजुअली में, है ना. डीप सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होएगा? हील्स कॉजिंग स्केयरिंग एंड पिगमेंटेशन सेंसेशन प्रेजेंट बट नो ब्लिंचिंग. इसमें क्या होएगा? पिगमेंटेशन होगा, सेंसेशन प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ब्लिचिंग नहीं होगी. देन थर्ड डिग्री बर्न. द अफेक्टेड एरिया इज चेयर्ड पिच ब्रांचमेंट लाइक पैनलेस एंड इनसेंसिटिव विथ थ्रम्बोसिस ऑफ सुपरफिशियल वेसल्स. इट रिक्वायर ग्राफ्टिंग. इसमें क्या होता है? एक जो एरिया है वो चेयर्ड मतलब चेयर्ड लाइक रेडनेस हो जाती है, ब्रांचमेंट हो जाता है, और इसमें क्या पैनलेस हो जाता है और सेंसेशन ख़त्म हो जाता है. जो ये वेसल्स होती है उसको डैमेज कर देता है. चेरिड डेंटेंचर इनसेंसिटिव कॉन्ट्रैक्टेड फुल थिकनेस बर्न इज कॉल्ड इचेरी. दिस वुड मस्ट हील बाय रीएपिथेसाइजेशन फ्रॉम अ वुंड एडेज. फोर्थ डिग्री बर्न इन्वॉल्व्स अंडरलाइंग टिश्यू मसल्स बोन. अब फोर्थ डिग्री में क्या होता है? पूरा वो कितने को सबको डैमेज कर देता है, टिश्यू भी डैमेज कर देता है, मसल्स को भी डैमेज कर देता है, एंड देन बोन को भी डैमेज कर देता है फोर्थ डिग्री बर्न में. देन डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ स्किन इन्वॉल्व्स. अब डिपेंडिंग कितनी थिकनेस है उस पर डिपेंड करता है अपना बर्न. पार्शियल थिकनेस बर्न. पार्शियल थिकनेस बर्न क्या होता है? Either first or a second degree burn which is red and painful often with a blister. अब जो first, अब partial thickness burn में क्या होएगा? जो अपना second degree burn है, first और second degree burn है, उसमें क्या होएगा? redness होएगी, painfulness होएगा, और blister मतलब छाले होने लगेंगे, ना. full thickness burn, third degree burn which is cheared, insensitive, deep, involve all layers ऑफ स्किन. ये क्या होएगा? थर्ड डिग्री बर्न में क्या करता है? ये चेरिड मतलब चेरिड रेड तरीका होगा,
इनसेंसिटिव मतलब सेंसेशन बंद हो जाएगा, डीप इन्वॉल्विंग ऑफ लेयर ऑफ स्किन, इसमें क्या होएगा जो ज़्यादा लेयर है स्किन की वो इन्वॉल्व हो जाएगी। देन डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंटेज परसेंटेज ऑफ बर्न, अब क्या परसेंटेज है बर्न का वो डिपेंड करता है, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर, तीन टाइप के अपना परसेंटेज है, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में क्या होगा, पार्शियल थिकनेस बर्न 15% इन एडल्ट, जो पार्शियल थिकनेस बर्न है वो कितना है 15% है एडल्ट में, एंड 10% इन चाइल्ड। फुल थिकनेस बर्न इज 2%, इसमें फुल थिकनेस बर्न कितनी होगी 2%। माइल्ड में अपन ने क्या देखा है, जो पार्शियल थिकनेस बर्न हुई एडल्ट में वो 15% हुई, और जो चाइल्ड में हुई वो 10%, और फुल थिकनेस बर्न कितना होएगा माइल्ड में 2%। देन मॉडरेट पार्शियल थिकनेस बर्न 15-25% इन अडल्ट और 10-20% इन चिल्ड्रन, फुल थिकनेस बर्न 2-10%। अब मॉडरेट में क्या होगा, जो पार्शियल थिकनेस बर्न है वो 15-25% होएगा एडल्ट में, 10-20% होएगा चिल्ड्रन में, और मॉडरेट जो अपन फुल थिकनेस बर्न देख रहे हैं मॉडरेट में, फुल थिकनेस जो बर्न है अपना मॉडरेट में वो कितना है 2-10% है। देन सीवियर, सीवियर में क्या होगा, पार्शियल थिकनेस बर्न 25% इन एडल्ट और 20% इन चिल्ड्रन, फुल थिकनेस बर्न इन 10%। अब सीवियर में क्या होएगा, अगर सीवियर अपना सीवियर बर्न हुआ तो अपन क्या कहेंगे, जो अपना पार्शियल थिकनेस है वो 20% होएगा एडल्ट में, 25% होएगा एडल्ट में, 20% होएगा चिल्ड्रन में, और फुल थिकनेस बर्न को अपन सीवियर में कब लेंगे, जब वो 10% होएगा। बर्न इन्वॉल्विंग आई, ईयर्स, फिट एंड एंड पेरिनियम, ये सब आई, ईयर, फिट, हैंड, पेरिनियम, ये सब इन्वॉल्व कर देता है सीवियर बर्न में। असेसमेंट ऑफ बर्न, अब असेसमेंट कैसे करेंगे बर्न का, वेल्स रूल ऑफ 9, वॉल्स रूल ऑफ 9 के थ्रू अपन क्या करते हैं बर्न का असेसमेंट करते हैं। इसमें परसेंटेज निकालने इस रोल के हिसाब से जो एडल्ट और चिल्ड्रन का है उसका परसेंटेज बताया गया है थ्योरी के थ्रू। तो इसमें परसेंटेज क्या है, ये डायग्राम में अपने को दिख रहा है, जो हेड और नेक है एडल्ट में वो अपन ने कितना दे रखा है, हेड एंड नेक 9%, अपना फ्रंट चेस्ट एंड एब्डोमिन वॉल, मतलब जो फ्रंट चेस्ट है अपना वो कितना 9% है ना, एब्डोमिन वॉल 9%, तो इसको अपन क्या लेंगे, फ्रंट चेस्ट और एब्डोमिन को हो गया 18%। बैक ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमिन वॉल, तो बैक ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमिन वॉल कितना हो गया 9 आगे 9 पीछे, तो कितना हो गया 18%। लोअर लिम, लोअर लिम कितना हुआ अपना, लोअर लिम हुआ अपना 36%, अपर लिम हुआ अपना 18% एंड पेरिनियम हुआ अपना 1%। तो यही करके पूरा क्या हो जाएगा 100% अपना एडल्ट के हिसाब से ऐसे देखेंगे। देन फिर अपना चाइल्ड के हिसाब से क्या होएगा, हेड टू नेक कितना हो गया अपना 18%, फ्रंट और चेस्ट एंड एब्डोमिन वॉल अपना 18%, बैक ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमिन वॉल अपना 18%, लोअर लिम, अब लोअर लिम में है अपना एडल्ट और चाइल्ड में थोड़ा चेंजेस है, एडल्ट में था 36% एंड अपना चाइल्ड में है 26%, अपर लिम्ब में 18% एंड पेरिनियम 1%, पूरा अपना 100% हो गया। इन्फेंट में क्या होएगा, इन्फेंट में हेड टू नेक अपना क्या होएगा 20% हो जाएगा, फ्रंट चेस्ट एंड एब्डोमिन अपना 20% हो जाएगा, बैक एंड चेस्ट ऑफ एब्डोमिन वॉल अपना 20%, लोअर लिम्ब 20%, अपर लिम्ब 20%, पेरिनियम इन्वॉल्व नहीं रहता उसमें, ठीक है। देन फिर ये पूरा मिला के 100% हो गया है। पिक्चर्स में अपने को दोनों दिख रहा है, एडल्ट भी दिख रहा है एंड चिल्ड्रन भी दिख रहा है। लून एंड ब्रॉडर चार्ट, लून एंड ब्रॉडर चार्ट में भी अपन इसमें क्या करते हैं, जो एरिया है उसको अपन नंबर वाइज कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया अफेक्टेड बाय ग्रोथ, अभी कितना अफेक्टेड है, हेड को अपन कितना ले लेंगे, हेड को अपन ने लिया 9, थाई को अपन ने लिया 2 एंड लेग को अपन ने लिया 2, ये सब पूरा ब्राउज थ्योरी है, पूरा इसमें चार्ट में अपन ने देख रखा है, पूरा दिख रहा है क्लियर।
देन क्लिनिकल फीचर्स. अब क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बर्न क्या है? बर्न, पेन, बर्निंग, एंजाइटी, नॉक्सिया स्टेटस, टेचिकार्डिया, टेचबेनिया, फ्लूड लॉस इन सर्व डिग्री, फीचर्स ऑफ शॉक फिजियोथेरेपी, हेड कॉजेस, कोगुलेशन, नेरोसिस ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, रिलीज ऑफ वैस्कोटिव पेप्टाइड्स, अल्टरेट कैपिलरी परमेबिलिटी, लॉस ऑफ फ्लूइड, सीवियर हाइपोमेलिया, अल्टर पल्मोनरी राइजेस, कॉजेस पल्मोनरी एडिमा, इन्फेक्शन, एसआईआरएस, मोड्स, इफेक्ट ऑफ बर्न इंजरी. अब क्या इफेक्ट पड़ता है बर्न इंजरी का? शॉक ड्यू टू द हाइपोवोलेमिया, रीनल फेलियर, पल्मोनरी ओडिमा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एआरडीएस, रेस्पिरेटरी फेलियर, इन्फेक्शन जीआईटी, कुरिलिस्ट अल्सर, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इचियर फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल इंजरीज ऑफ्टन कॉजेड फ्रैक्चर्स मेजर इंटरनल ऑर्गन इंजरी. कंक्लूजन, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स, इनहेलेशन बॉन्ड कॉजेस पल्मोनरी एडिमा, रेस्पिरेटरी एरिया एआरडीएस, केमिकल इंजरी कॉजेस सीवियर जीआईटी डिस्टर्बेंस लाइक यूरोसिंस, परफोरेशन, स्ट्रिक्चर्स, ऑस्टियोफेगस, एल्केली पेलोरिक स्टेनोसिस, एसिड मिडिस्टोनिकल इंजरी, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. मगर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम अदर प्रॉब्लम्स कॉमनली सीन आर डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यूरिनरी इन्फेक्शन, बैड सोर्स, सीवियर माल न्यूट्रिशन विद कैटाबॉलिक स्टेटस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. मैनेजमेंट ऑफ बर्न. अब मैनेजमेंट क्या है बर्न के? अपन क्या मैनेजमेंट देंगे बर्न पेशेंट को? फर्स्ट एड, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, फ्लूड सक्सट्रेशन, लोकल मैनेजमेंट, ये सब जो है अपन ये मैनेजमेंट अपन बर्न पेशेंट को देंगे. अब फर्स्ट एड में क्या आएगा? स्टॉप बर्निंग प्रोसेस एंड कीप द पेशेंट अवे फ्रॉम अ बर्निंग एरिया. क्या करेंगे? जो जहाँ पे बर्न हो रहा है उस एरिया को स्टॉप करेंगे और पेशेंट जो है उसको बर्निंग एरिया से अपन थोड़ा दूर रखेंगे. कूल द एरिया विद द टैप वाटर बाय कंटिन्यूस इरीगेशन फॉर 20 मिनट, नॉट बाय द कोल्ड वाटर एज इट कॉज अ हाइपरथर्मिया. अब क्या होगा? जो अपन पेशेंट को जहाँ बर्न हुआ है उस एरिया को अपन क्या करेंगे, जो टैप वाटर है उसमें उसको कंटिन्यूसली उसको बहने देंगे पानी को. उसको जहाँ पे उसको बर्न हुआ वो अपन टैप वाटर के नीचे रखेंगे वो एरिया उसका 20 मिनट के लिए. और के अपने को क्या करना है, जो वाटर है वो कोल्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको क्या आएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट. अब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, एडमिट द पेशेंट, पेशेंट को एडमिट करेंगे, मेंटेन है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन. अपन उसमें क्या करेंगे, एबीसी का यूज़ करेंगे, मतलब एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन का को मेंटेन करेंगे उसका. असिस्ट द परसेंटेज डिग्री एंड टाइप ऑफ बर्न. अब उसके बाद पेशेंट का अपन ने एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन देख लिया, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन परसेंटेज डिग्री और टाइप ऑफ बर्न उसका अपन असिस करेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ बर्न है, कितना परसेंटेज उसको बर्न हुआ है और कितने डिग्री तक उसको बर्न हुआ है. कीप द पेशेंट इन अ क्लीन एनवायरनमेंट. उसके बाद क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको अपन क्लीन एनवायरनमेंट में रखेंगे जहाँ से उसको इन्फेक्शन कॉज ना हो. सेडेशन एंड द प्रॉपर एनाल्जेसिक. उसके बाद उसको अपन सेडेशन और एनाल्जेसिक प्रोवाइड करवाएंगे. देन पेशेंट शुड बी इन बर्न्स यूनिट विद अ बैरियर, नर्सिंग स्टाइल क्लॉथ्स, बेडशीट विद द ऑल सेप्टिक मेथड्स. अब इसके बाद क्या करेंगे, अपन जो पेशेंट है वो बर्न यूनिट में रहेगा तो अपने को जो बैरियर है उनको उसका ध्यान रखना है. अपन क्या करेंगे, स्टाइल क्लॉथ उसको प्रोवाइड करेंगे, स्टाइल बेडशीट उसको प्रोवाइड करेंगे, ऑल जितनी भी ऑल सेप्टिक मेथड्स है उसको अपन फॉलो करेंगे. देन
फ्लूइड रिसक्सिटेशन, फ्लूइड रिसक्सिटेशन में अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अब फॉर्मूला है जो अपन फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो कौन सा है, पार्कलैंड रिजाइन। पार्कलैंड रिजाइन में अपना क्या होगा, 4 ml परसेंटेज बन kg बॉडी वेट। क्या करेंगे, 4 ml अपन फ्लूड लेंगे, उसमें अपन देखेंगे कितना बर्न, कितना परसेंट उसको बर्न है, उसके बाद उसका कितना kg बॉडी वेट है उससे अपन उसको डिवाइड करेंगे, देन 24 hours में उसको कितना चलना है, ये उसका फॉर्मूला है। मैक्सिमम परसेंटेज कंसिडर्ड इज 50%, जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है वो 50% होता है। हाफ द वॉल्यूम इज गिवन इन द फर्स्ट 8 hours, जो आधा वॉल्यूम है उसको अपने को कितना, 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर, मतलब 8 hours के अंदर उसको कंप्लीट करना है। रेस्ट गिवन इन 16 hours, जो बाकी बच्चा रहेगा उसको 16 hours के अंदर अपने उसको कंप्लीट करना है। मायर एंड बर्कली रिजिम रेगिम, अपने दूसरा फॉर्मूला क्या है, मायर एंड बर्कली रेगिम, इसमें क्या करेंगे, वही सेम है, कितना परसेंट बर्न हुआ उसको अपन इंटू करेंगे बॉडी वेट इन केजी में, उसको फिर डिवाइड करेंगे 2 से, इज इक्वल टू फर्स्ट रेशियो, देन 3 ratio गिवन इन द फर्स्ट 12 hours, जो थर्ड रेशियो है उसको अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट 12 hours है उसके अंदर उसको पूरा उसको देना है, देन सेकेंड रेशियो में अपन क्या करेंगे, जो सेकेंड 12 hours है उसके अंदर अपन उसको पूरा प्रोवाइड करना है, एंड फर्स्ट रेशियो में अपने को क्या करना है, थर्ड तीसरे में 12 घंटे में पूरा उसको पूरा करना। एंड देन ग्लेवस्टोन रेजाइम, इसमें क्या करेंगे, ये पीडियाट्रिक के लॉ के हिसाब से है, तो इसमें क्या आएगा, 500 ml डिवाइड बाय m2 बर्नर, मतलब कितना बर्न हुआ है उसके हिसाब से, प्लस 500 ml डिवाइड बाय m2 टोटल, देन मॉडिफाइड ब्रोक फार्मूला। मॉडिफाइड ब्रोक फार्मूला में क्या आएगा, फर्स्ट 24 hours अपने को क्या RL देना है उसको, 4 ml kg परसेंट, kg डिवाइड बाई कितने परसेंट बर्न है उसके हिसाब से इन 24 hours, तो उनको 24 hours के अंदर अपने को देना है। फर्स्ट हाफ इन फर्स्ट 8 hours, अपने को जो फर्स्ट हाफ है उसमें क्या करना है, 8 hours के अंदर इसको पूरा प्रोवाइड करवाना है, कॉल इट 9। सेकेंड 24 hours, क्रिस्टोलाइट्स टू मेंटेन ए यूरिन आउटपुट कोलाइट्स, क्रिस्टोलाइट प्रोवाइड करेंगे क्या के लिए, कि जो यूरिन आउटपुट है उसको कोलेब्रेट्स करने के लिए, 0.3 ml टू 0.5 ml पर kg पर बम्स इन 24 hours। एल्यूमिन इन RL सॉल्यूशन, एल्यूमिन अलोन शुड बी गिवन विद द केयर इफ रियली इंडिकेट्स ओनली। इवंस फार्मूला, इवंस फार्मूला में क्या होगा, इन फर्स्ट 24 hours नॉर्मल सेलाइन 1 ml पर kg पर परसेंट बर्न, कॉलप्स 1 ml पर kg पर बर्न्स, 5 kg डिस्ट्रोस इन वाटर, 2000 ml इन एडल्ट इन सेकेंड 24 hours, हाफ ऑफ द वॉल्यूम यूज इन फर्स्ट 24 hours। फ्लूड यूज आर नॉर्मल सलाइन, रिंजर लेक्टेट हर्मेमिन फ्लूड, प्लाज्मा रिंजर लेक्टेट इज द फ्लूड ऑफ अ चॉइस, ब्लड इज ट्रांसफ्यूड इन द लेटर पीरियड आफ्टर 48 hours। फर्स्ट 24 hours ओनली क्रिस्टोलाइड शुड बी गिवन, अब जो फर्स्ट 24 hours उसमें अपने को क्या करना है, क्रिस्टोलाइड है उसको ही देना है। आफ्टर 20 hours अप टू 30 to 40 hours द कोलाइड शुड बी गिवन टू कंपनसेस्टेट द प्लाज्मा लॉस। यूरिनरी कैथेटराइजेशन टू मेंटेन आउटपुट 30 to 50 ml आवर शुड बी द यूरिन आउटपुट। अब यूरिन कैथेटर अपन लगाएंगे काय के लिए, यूरिन आउटपुट को मेंटेन करने के लिए, उसमें कितना 30 to 50 ml अपना हावर शुड बी, 30 to 50 ml अपने को हावरली उसका यूरिन आउटपुट देखना है। टिटनस टॉक्साइड, अब आए जब पेशेंट बनाएगा उसको टिटनस टॉक्साइड अपने को लगाना है, मॉनिटरिंग द पेशेंट, मैं पेशेंट का मॉनिटरिंग करना है अपने को, हैरली प्लस BP PO2 PCO2 इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस, ब्लड यूरिया
नेजल ऑक्सीजन ऑफ्टन इंट्यूबेशन इन रिक्वायर, ये सब अपने को उसका पेशेंट का मॉनिटर करना है। आइवरेनिटिडिन देना है 50 mg 4th hourly, 50 mg अपने को देना है 8th hourly में, मतलब 8 hourly में उसको 50 mg अपने को रेनिटिडिन देना है आईवी। राइल्स ट्यूब इंसर्ट इनिशियली फॉर अ एस्पिरेशन पर्पस लेटर फॉर अ फीडिंग। अब क्या है, राइल्स ट्यूब अपन लगाएंगे उसको फीडिंग के लिए, जो इंटरियल फीडिंग हो जाए उसके लिए। एंटीबायोटिक्स चढ़ाएंगे अपन को उसको, एंटीबायोटिक मतलब एंटीबायोटिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे एंटीबायोटिक में, पेनिसिलिन, एमिनोग्लिसिन, ग्लाइकोसाइड्स, सिफेलोस्पोरिन, मेट्रोनिडाजोल, कल्चर ऑफ द डिस्चार्ज। अब जो भी डिस्चार्ज हो रहा है उसको अपने को कल्चर पहुँचाना है। टोटल वाइट सेल काउंट, उसमें अपन कल्चर में क्या देखेंगे, टोटल वाइट सेल काउंट एंड द प्लेटलेट काउंट एट द रेगुलर इंटरवल्स एंड एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द सेप्सिस अलोंग विद द फीवर, टेचिकार्डिया एंड द टेचिपोनिया इन बर्न ऑफ अ ओरल कैविटी, ट्रेचोस्टोमी में भी रिक्वायर टू मेंटेन द एयरवे। अगर ओरल कैविटी में कोई बर्न होता है तो उसमें क्या होता है, ट्रेचोस्टोमी अपने को करना पड़ता है टू उसका एयरवे मेंटेन करने के लिए। टोटल पेरेंटियल न्यूट्रिशन TPN इज रिक्वायर फॉर अ फास्टर रिकवरी यूजिंग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन थ्रू अ CPV लाइन। क्या होएगा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में अपन को क्या करेंगे, फास्टर रिकवरी के लिए अपने को इसका यूज़ करना पड़ेगा। ट्रेचोस्टोमी इंट्यूबेशन ट्यूब का अपन यूज़ करेंगे, मे बी रिक्वायर्ड इन पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर और अपर एयर ब्लॉक। अगर पेशेंट को अपर एयर ब्लॉक हो रहा है या रेस्पिरेटरी इम्पेंडिंग होती है, मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, तो अपन उसको क्या करेंगे, ट्रेचोस्टोमी या इंडिशनल ट्यूब का यूज़ करेंगे। इंटेंसिव नर्सिंग केयर में क्या आएगा, लोकल मैनेजमेंट क्या आएगा, ड्रेसिंग एट रेगुलर इंटरवल्स अंडर द जनरल एनेस्थेशिया यूजिंग द पैराफिजिन गॉज, हाइड्रोकोलर्स, प्लास्टिक फिल्म्स, वेस्लिन इम्पेरिगेटेड गॉज और अ फेनेस्टाइड सिलिकॉन शीट और अ बायोलॉजिकल ग्रीसिंग लाइक ए एमिनोटिक मेम्ब्रेन और अ सिंथेटिक वाइब्रेन। ओपन मेथड, क्लोज मेथड, टेंजनाइटल एक्सेसन ऑफ बर्न वुड विथ स्किन ग्राफ्टिंग, स्लो एक्सेशन इज डन रेगुलरली आफ्टर द क्लीनिंग विद द प्रोवाइडन आयोडीन सॉल्यूशन, सिल्वर सल्फेंडाजाइन ऑइंटमेंट इज यूज, इट इज एन एंटीसेप्टिक एंड द स्मूथनिंग एजेंट, इट कॉज अ न्यूरोपेनिया। वुंड कवरेज में अपन क्या करेंगे, कल्चर्ड स्किन, सिंथेटिक ड्रेसिंग इन द बर्न वुड, वैसलिन इम्प्रिगेटेड गॉज, हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग, ऑप्साइड्स, बायोड्रोइन, ट्रांसिट इंटीग्रिया, बायोलॉजिक ड्रेसिंग्स। इचर क्या है, अब अपन पढ़ेंगे इचर। इट इज अ केयर डिनेचुरेट फुल थिकनेस डीप बर्न विथ कॉन्ट्रैक्टेड डर्म बर्म्स, इट इज इंसेंटिव विथ द थ्रम्बोसोस सुपरफिशियल वेंस, देन सर्कमफ्रेंशियली इक्चर इन द अपर लिम, लोअर लिम, नेक, थायरॉक्स, कैन कॉज मोर ऑब्डिमा विच इनिशियली कॉज अ वीनस कंप्रेशंस एंड लेटर एरिट्रियल कंप्रेशन कॉजिंग नेसिया एंजिग्रिन ऑफ द डिस्टल पार्ट, सो डिस्टल एरिया शुड बी मॉनिटर्ड फॉर अ सर्कुलेशन। एथिकटॉमी कॉजेज अ लार्ज क्वालिटी ऑफ अ ब्लड लॉस, सो द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड वाइल डूइंग द इचेक्ट्रॉमी।
इचर शुड बी एक्सिस्ट एंड द एरिया इज अलाउड टू गेनरेट द स्किन, ग्राफ्टिंग शुड बी डन. फिजोडस्चर इज ए थिंक एंड बर्नड स्किन ड्यू टू रिपीटेड सिल्वर सल्फेंडोजाइन एप्लीकेशन. कॉन्ट्रैक्चर इन बर्न वुड, कॉन्ट्रैक्चर इन बर्न वुड में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर कैन बी इंट्रिंसिक बाय द लॉस ऑफ टिश्यू और एक्सट्रिंसिक बाय द पुल बर्निंग हीलिंग फेस कंस्ट्रक्शन. देयर इज ए क्लियरली वुंड शॉर्टिंग डिसऑरिएंटेज ओवर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्पैक्ट कॉलेज कॉज हाइपरट्रॉफिक स्कर लैंडिंग फीचर कॉन्ट्रैक्शन. ये जो कॉन्ट्रैक्शन इन बर्न वुंड है उसकी पिक्चर्स यहाँ पे क्लियरली दिख रही. इसमें क्या उसका पूरा फेस और जो भी है टिश्यू का यहाँ पे लॉसमेंट क्लियरली दिख रहा है. क्लासिफिकेशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्चर इन नेक BM एक्चर्स माइल्ड मॉडरेट सीवियर एंड एक्सटेंसिव. ये दो सारे बर्न कॉन्ट्रैक्शन है, क्लासिफिकेशन है. लेस देन फर्स्ट और थर्ड इनएबिलिटी टू सी द सेलिंग्स मॉडरेट वन टू वन थर्ड और टू थर्ड फ्लेक्शन इज पॉसिबल बट नॉट एक्सटेंशन. सीवियर मोर देन टू थर्ड फुल कॉन्ट्रैक्टेड इन फ्लिक्स्ड पोजिशन विथ पुल ऑन लोअर लिम. एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सटेंसिव विद द मेंटोस्टर्नल एडिशंस. कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न्स कॉन्ट्रैक्चर्स, क्या कॉम्प्लिकेशन है बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स के. एक्ट्रोप्शन ऑफ आईलिड्स कॉजिंग कैरेटाइटिस एंड कॉरिनल अल्सर. डिसफिगरमेंट इन फेस नैरोइंग ऑफ माउथ, माउथ का छोटा हो जाता है. माइक्रोस्टोमिया मतलब जो बर्न के कारण जो चेहरा है वो एकदम छोटा हो जाता है. कॉन्ट्रैक्चर इन द नेक कॉजिंग रिस्ट्रक्शन नेक मोटिव मूवमेंट. अब कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन बर्न हो गया नेक में तो क्या होएगा, बर्न होने के कारण कॉन्ट्रैक्शन आ जाएंगे वहाँ पे. कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएंगे देन फिर मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगा, नेक वो मूवमेंट नहीं कर सकता. डिसेबिलिटी एंड नॉन फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्चर. अब कॉन्ट्रैक्चर के कारण क्या होएगा, जो डिसेबिलिटी होने लगती है जॉइंट के फंक्शन करने में, तो जॉइंट में फंक्शन नहीं कर पाता, मूवमेंट नहीं कर पाता है. हाइपरट्रॉफिक स्कार एंड केलोगी फॉर्मेशन. रिपीटेड ब्रेकिंग ऑफ ए स्कार एंड इन्फेक्शन अल्सर एंड सेलेटाइटिस. क्या होएगा रिपीटली बार बार क्या होएगा वहाँ पे अल्सर आएगा इन्फेक्शन आएगा जहाँ पे बर्निंग का वुंड है. पेन इन द टेंडरनेस इन द स्कार कंट्रैक्शन. अब जहाँ पे भी स्कार बना है वहाँ पे क्या होएगा पेन हो जाएगा, टेंडरनेस आ जाएगी, पेन होने लगेगा. मर्जोलिक अल्सर. ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स रिलीज ऑफ अ जेंट्रक्टिन सर्जिकली एंड यूज ऑफ स्किन ग्राफ्ट और अ जेड प्लास्टी और अ डिफरेंट फ्लैप्स. प्रॉपर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिटेशन इज असेंशियल. प्रेशर जर्मेंट्स ऑफ अ प्रिवेंट हाइपरट्रॉफिक स्कार. मैनेजमेंट ऑफ इचिंग इज द स्कार यूजिंग एलोवेरा एंटी हिस्टामिन्स एंड द मॉइस्चराइजरिंग क्रीम. प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रक्शन जॉइंट एक्सेसिव इन द फुल रेंज ड्यूरिंग द प्रीवियस रिकवरी पीरियड्स ऑफ बर्न. प्रेशर जर्मेंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स टॉपिकल सिलिकॉन शीटिंग सेली इन एक्सपांड्स फॉर स्कार्स. इलेक्ट्रिकल बर्न. अब इलेक्ट्रिकल बर्न क्या होता है, लोअर इंटेंशन इंजरी कितने में होती है, 1000 वोल्ट. जब लेस देन 1000 वोल्ट का करंट लगेगा तो लो टेंशन इंजरी होएगी. हाई टेंशन इंजरी क्या होगी, मोर देन 1000 वोल्ट. मतलब 1000 वोल्ट से ज़्यादा जब आपको करंट लगेगा तो वो काय में आएगा, हाई टेंशन इंजरी में आएगा. इट इज़ ऑलवेज अ डीप बर्न. ये जो 1000 वोल्ट के ऊपर होता है ये क्या होता है, हमेशा डीप बर्न होता है, मतलब मेजर बर्न होता है. देयर इज़ अ वुंड ऑफ एंट्री एंड वुंड ऑफ एक्सिट. मतलब जहाँ से एंट्री करा वो एक्सिट भी वहीं से नहीं.
पेशेंट में ऑल्सो हैव अ मेजर इंटरनल ऑर्गन इंजरी। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को इंटरनल ऑर्गन इंजरी भी होती है, GIT इंजरी भी होती है, थोरेसिक इंजरी भी होती है। ऑफ्टन कंक्लूजन कैन डेवलप, जब कंक्लूजन होता है उसके बाद डेथ में अकवर ड्यू टू द कार्डियक एरिथमियासिस, इंस्टेंट डेथ ड्यू टू द वेंटिकुलर फेलियर। इसमें क्या होएगा, एकदम से डेथ भी हो सकती है कार्डियक एरिथमियासिस, मतलब वर्टिकुलर फेलियर के कारण डेथ भी कॉज कर सकता है। देन गैस गैंग्रीन इज कॉमन आफ्टर द इलेक्ट्रिक इंजरी, गैस गैंग्रीन एक कॉमन है जो इलेक्ट्रिक इंजरी के बाद कॉज होता है। रिलीज ऑफ मायोग्लोबिन कैन कॉज अ रीनल ट्यूबुलर डैमेज एंड रीनल फेलियर, रीनल फेलियर कॉज करता है। एसिडोसिस इज कॉमन एंड सो ऑफ्टन बायोकार्बोनेट इन्फ्यूज़न इज नीडेड, पेशेंट शुड ऑलवेज बी एडमिटेड एंड शुड बी असिस्ट बाय ECG, कार्डियक मोनिटर, US एबडोमिन, चेस्ट एक्सरे, समटाइम्स इवन CT स्कैन हैड कार्डियक एंजाइम्स एनालाइजिस। डिपेंड्स ऑन द इंजरी इट इज़ मैनेज अकॉर्डिंगली, जो जिस टाइप की इंजरी रहती है उसको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। फ्रैक्चर्स एंड डिसोल्यूशन आर कॉमन इन द इलेक्ट्रिक इंजरी विच इज़ ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, क्या फ्रैक्चर और डिसोल्यूशन ये एक कॉमन कॉज है जो अगर इलेक्ट्रिक इंजरी होती है तो। देन मैन फाइंड एक्सिट इज बेटर अगेन एज इट पेनिट्रेट्स वेल, इट इज यूजली अगेंस्ट क्लोरिस्ट्राइडल इन्फेक्शन। मोनिटल इज यूज टू प्रिवेंट अ मायोग्लोबिन इंक्लूड्स रीनल फेलियर, वुड एक्सीशन एम्बुलेशन सर्जरी फॉर इंटरनल ऑर्गन इंजरी, कार्डियक मोनिटरिंग आर असेंशियल पार्ट ऑफ द सर्जिकल मैनेजमेंट। देन इन्हेलेशन इंजरी, इन्हेलेशन इंजरी में क्या आएगा, इट अकर्स आफ्टर द मेजर फायर बर्न, ये मेजरली क्या फिर तो कोई बड़ा फायर बर्न होता है उसके बाद ये कॉज होता है। इट इज़ ड्यू टू इन्हेलेशन ऑफ हीट, इन्हेलेशन मतलब हीट का अपन इन्हेल कर लेते हैं तो ये कॉज होता है। नॉक्सगाइज गैस एंड इनकम्प्लीट प्रोडक्शन ऑफ अ कॉम्प्लूजन एट द साइट ऑफ फायर, ऑक्सीजन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेस देन 22% विच कैन कॉज अ डेथ, 2% अगर होता हो तो वो क्या कर देता है, डेथ कॉज कर देता है इन 45 सेकेंड ड्यू टू हाइपोक्सिया। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मतलब आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 2% से कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, डेथ कॉज कर देगा 45 सेकेंड के अंदर ड्यू टू हाइपोक्सिया, मतलब अपना हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का प्रॉपर नहीं पहुंच पाना तो हाइपोक्सिया से डेथ हो जाएगी। इनहेल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, इनहेल मतलब कार्बन ऑक्साइड्स को इनहेल कर पाएंगे तो भी बर्न हो सकता है। स्मोक कंटिन्यूसली हाइड्रोकोनाइट विच कॉज अ टिश्यू हाइपोक्सिया एंड प्रोफाउंड एसिडोसिस, लेरिंजियल ओडिमा, लेरिंजियो प्लाज्म, ब्रोंचियल एडिमा एंड ब्रोंचियो स्पाज्म, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोंचियल कास्ट इज टाइपिकली विच इज़ ड्यू टू द एडिमा, लिम्फ ऑक्सीडेशन, सेपरेशन ऑफ अ क्लिन सिलेटेड एपिथेलियल सेल फॉर ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेटर प्रॉब्लम ARDS, पिनोमिया, एटलेकेसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एडिमा, पेनोमेथोरक्स। क्लिनिकल फीचर, दे हैव लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, केयरिंग ऑफ माउथ, ऑर्फोरिनिक्स विद अ फेशियल बर्न, कार्बन सेस्पुटम, चेंज इन वॉइस, सिंग्ड फेशियल एंड नेजल हेयर, सीक्रेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विद स्ट्रेड ऑफ डिस्पोनिया, एक्यूट पल्मरी इनसफिशेंसी विद द एस्फिक्सी कोपोजिशन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आफ्टर 3 to 5 days, ARDS एंड द हाइपोक्सिया डेवलप्स, ब्रोंचोपेनोमिया विद द सेप्टिक
सीमिया अक्वर्स आफ्टर 5 days. मैनेजमेंट रिप्लेसिंग द पेशेंट फ्रॉम द साइट ईयरलेस लिस्ट. अब जहाँ पे भी अपन क्या करेंगे मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जहाँ पे भी पेशेंट में जहाँ उसको प्रॉब्लम होने में उसको रिप्लेसमेंट करेंगे. वेंटिलेटर सपोर्ट फॉर अ सीवियर वीकनेस. अब वेंटिलेटर पे उसको पेशेंट को सपोर्ट देंगे अगर वो सीवियर केस उसका होगा तो. एंटीबायोटिक्स उसको अपन एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चालू करेंगे. ब्रोंचोस्कोपी करेंगे एट रेगुलर इंटरवल्स टू रिमूव ब्रोंचियल केस्ट. ट्रेचेस्टोमी वेन एवर रिक्वायर्ड. अब ट्रेचेस्टोमी करेंगे जब उसको रिक्वायर रहेगी. हाइपर बेरियर ऑक्सीजन क्या है उसको अपन प्रोवाइड करेंगे. आईवी हेपरिन टू रिड्यूस द ब्रोंचियल कास्ट. अपन हेपरिन को आईवी देंगे ब्रोंचियल जो कास्ट हो रही है उसको रिड्यूस कराने के. मॉनिटरिंग द पेशेंट विद द अल्टेरियल ब्लड गेस एनालिसिस रेगुलरली. केमिकल बर्न क्या होता है, इट इज केमिकल बर्न. टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन इन मोर एंड प्रोग्रेसिव. इट इज ऑलवेज अ डीप बर्न, एसिड बर्न. जो केमिकल बर्न होता है वो हमेशा क्या होता है, डीप बर्न होता है. एसिड बर्न अक्वर्स इन स्किन सॉफ्ट टिश्यू एंड GIT. इन GIT इट्स कॉमन इन द स्टोमच आइदर ड्यू टू द नाइट्रिक एसिड और सल्फराइटिक एसिड विच मे लीड टू अ सीवियर गैस्ट्रिक और अ पल्मोनरी सिंथेसिस ऑफ द एसिड्स आर फॉर्म्ड एसिड. हाइपरफ्लोरिक एसिड दे कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस रिनल फेलियर ARDS हेमोलाइसिस. एसिडोमिया शुड बी करेक्टेड बाय आईवी सोडियम बायोकार्बोनेट. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन ऑर्गेनिक एसिड दैट कैन प्रोड्यूस कोरोसिन एंड डिहाइड्रेशन. इट चीटेड ब्लड कैलकुलेशन कॉजिंग द हाइपोकैल्शिमिया एंड द एरिथमियासिस. इट मैनेज विद द वाटर इरीगेशन एप्लीकेशन ऑफ 2.5% कैलकुलेशन ग्लूटामेट जी एंड 15 minutes इंटरवल. लोकल इंट्रोड्यूशनल एंड द इंट्रा आर्टिकल इंजरी टू 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट. कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट और अ कैल्शियम क्लोराइड एडमिशन इज नीडेड. अल्कलाइन बर्न में क्या होता है, अक्वर द इन द ओरल कैविटी एंड एसोफेगस विच लीड्स टू अ मल्टीपल एसोफेगस स्ट्रक्चर्स. सोडियम हाइड्रोक्साइड लेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड द ब्रिजेस आर कॉमन अल्कलाइज इन्वॉल्व. दे कॉज स्पॉनिफिकेशन ऑफ फेट फ्लूड लॉस एंड रिलीज ऑफ एल्कली प्रोटेक्शंस इन हाइड्रोक्साइड आयन्स विच आर टॉक्सिक. इनिशियली ट्रीटमेंट इज बिल्ड विद द वाटर. हाइपोथेरेपी इट इज डन यूजिंग 15 to 20 liters ऑफ रनिंग टैप वाटर. न्यूट्रलाइजेशन विथ एंटीडोट शुड नेवर बी डन एट द इनिशियल फेसेस ऑफ ट्रीटमेंट एज इट क्रिएट ए थॉक्सोमिक रिएक्शन विच एग्रीगेट द टिश्यू डैमेज. ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी विथ अ हॉस्पिटलाइजेशन मोनिटल डायलिसिस हेमोबायलिसिस कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी पेन रिलीफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट TNP वेनिस्टेरिडोमिस सपोर्ट एरिया. सिस्टमिक मैनेजमेंट रिक्वायर लेट ट्रीटमेंट इज कस्टमाइज ऑफ अ फेस. ऑस्टोफिंगर डिप्लिकेशन ऑफ कॉल्क्रेट ट्रांसमिशन डन इन द ऑस्टोफेगस स्ट्रक्चर ड्यू टू द अल्कलाइन बर्न. गैस्ट्रोजेस्टोमी इज डन फॉर एसिड इंडिकेशन फ्रॉम सेंसेशन. मेडिकोलॉजिकल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ बर्न. पुलिस शुड बी इन्फॉर्म व्हेनेवर अ फीमेल प्रेग्नेंट पेशेंट अराइव विद द बर्न. अब पुलिस को अपन इन्फॉर्म करते हैं अगर फीमेल या प्रेग्नेंट पेशेंट अराइव होती है तो. कन्वेंट फॉर अ हाई रिस्क शुड बी टेकन स्पेशली इन बर्न यूनिट. अगर हाई रिस्क वाला पेशेंट आया तो उसको अपन क्या करेंगे, बर्न यूनिट में पहुँचाएंगे 30% वाला. बर्न शुड बी असिस्ट वेन वेदर इट इज़ एक्सीडेंटल और होमी लेडिया.
अगर बर्न कैसा भी हो, अगर एक्सीडेंटल हुआ या हेमिक्रेमिया हुआ, उसको अपन क्या करेंगे, असिस करेंगे। रिलेटिव शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ स्टे प्रॉब्लम एंड सेपरेटेड सर्जरी। अपने को इन्फॉर्म जो भी रिलेटिव्स हैं उनको अपन को सब उसके बारे में इन्फॉर्म करना है कि उसको कहाँ स्टे करना है, प्रॉब्लम रिलेटेड सर्जरी जो भी उसका निकलेगा उसको अपने को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन पेशेंट्स विच सीवियर बर्न हु इज लाइकली टू डाई वेन अ सस्पेक्टेड ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन शुड बी अराइव अरेंज। अगर पेशेंट सीवियर बर्न हुआ और वो क्या डेप्थ की कंडीशन में है, तो उठने को क्या करना है, उसका अरेंजमेंट डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन में अपने को पूरा क्लियर करना है। कॉस्ट ऑफ द थेरेपी। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ अ स्टे एंड कंसेप्टिक प्रॉब्लम शुड बी इन्फॉर्म्ड टू द रिलेटिव। कितना कॉस्ट ऑफ थेरेपी, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब अपने को जो भी प्रॉब्लम है ये सब अपने को रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है। देन रेफरेंस में क्या आएगा, SRBS मैनुअल ऑफ सर्जरी। थैंक यू, अपना बर्न यूनिट ख़त्म हो जाएगा।